हेलो बच्चों, मैं विकी चावला टीम एनजीओ आशाएं की तरफ से आज आपको मैथ्स का टॉपिक एलजेब्रा पढ़ाने वाला हूँ। ये टॉपिक ग्रुप वन के बच्चे मोनिका, स्नेहा, जैद, जेबा, खुशबू, रवि, जतिन, गीता, कंचन एंड लोकेश के लिए है। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं इस सेक्शन में वो है एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशियंट्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स को कैसे विभाजित करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ये टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट क्या होता है? कोई भी सिंबल जैसे कि 1, 2, 3, 4, कोई भी नंबर हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल जैसे कि ए, बी, सी, डी, कोई भी ए टू जेड जो भी सिंबल्स हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? क्या आप जो डेली देखते हैं वो एक्सप्रेशन है? जो आप चेहरा बनाते हैं वो एक्सप्रेशन है? नहीं, मैथ्स के टर्म्स में एक्सप्रेशंस वो होते हैं जो कांस्टेंट और वेरिएबल को जोड़ के बनाया जाता है, और उसको जोड़ने वाला सिंबल प्लस और माइनस साइन यूज़ किया जाता है। तो एक्सप्रेशंस हम किसको कहते हैं? जैसे कि एक्स प्लस थ्री, इसमें एक्स क्या है? एक वेरिएबल है। थ्री क्या है? एक कांस्टेंट है। और इसको जोड़ा किससे गया है? प्लस से। तो जब हम एक्स प्लस थ्री की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 2y-5। यहाँ पे वाई वेरिएबल है, टू एंड फाइव कॉन्स्टेंट्स हैं, और इसको जोड़ा किससे गया है? माइनस साइन से। तो 2y-5 एक एक्सप्रेशन बनता है। इसी तरह आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, वो उसमें जिसमें भी कांस्टेंट और वेरिएबल है और साइन से जुड़ा हुआ है वो एक एक्सप्रेशन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली टॉपिक से, जो कि है टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशियंट्स। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू ये तीनों डेफिनेशंस कवर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैं जो एक्सप्रेशन लेने जा रहा हूँ वो है 7xy-5x, ठीक है। जैसे कि पिछले मैंने बताया था कि x और y क्या है? वेरिएबल। 7 एंड 5 हैं कांस्टेंट, और ये जोड़ा किससे गया है? माइनस से। तो ये क्या हो गया? एक एक्सप्रेशन हो गया, 7xy-5x, ठीक है। अब हमें जानना है कि इसमें टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशियंट्स क्या हैं। तो टर्म्स वो होता है जो भी साइन के इधर और उधर, मतलब लेफ्ट और राइट साइड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7xy एक टर्म है, 5x एक टर्म है। उसी तरह जब हम बात करते हैं फैक्टर्स की, अब अभी हमने देखा कि इसमें दो टर्म्स थे, 7xy एंड 5x। अब इसमें फैक्टर्स क्या हैं? एक टर्म उठाइए आप, ठीक है, 7xy हमने टर्म उठा लिया। अब इसमें हर एक सिंबल एक फैक्टर है, तो 7 अलग से लीजिए, x अलग लीजिए, y अलग लीजिए, ये तीनों अपने में एक फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो 7x एंड y अलग अलग फैक्टर्स हैं, किसके? एक टर्म के, 7xy के। और 7xy-5x एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशंस किससे मिलके बना है? टर्म से। टर्म्स किससे मिलके बने हैं? फैक्टर से, ठीक है। आशा है आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम जानते हैं कि कोफिशियंट क्या होता है। कोफिशियंट जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि जो हम मैंने बताया था कांस्टेंट,
जो भी हमारा कांस्टेंट एक टर्म में होता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है। ध्यान रहिए, केवल कोफिशिएंट वैल्यू की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम केवल कांस्टेंट देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा टर्म क्या था, 7xy, 7xy हमारा एक टर्म था, 5x हमारा एक और टर्म था। इसके फैक्टर्स क्या थे, 7xy। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, जो भी इसका कांस्टेंट वाला पार्ट है वो इसका कोफिशिएंट है। तो 7xy की कोफिशिएंट है 7 और 5x का कोफिशिएंट है 5। ठीक है, कोफिशिएंट हम टर्म्स के रिस्पेक्ट में बोलते हैं और टर्म्स एंड फैक्टर्स हम एक्सप्रेशंस के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। ओके, ठीक है, आइए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल मैंने लिया है 4x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 1। इसमें हमारे टर्म्स क्या क्या हैं, ठीक है, क्या आपने यही आंसर दिया है, 4x³ एक टर्म है, 2x² एक टर्म है, 3x एक टर्म है, 4x³, 2x² एक टर्म, 3x⁻¹ एक टर्म एंड 1 एक टर्म। तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हुए, 4 टर्म्स, 4x³, 2x² 3x एंड 1, ये 4 टर्म्स हैं। अब कोफिशियंट्स की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हर न्यूमेरिकल वैल्यू, हर कांस्टेंट एक टर्म में उसका कोफिशिएंट होता है। तो जब हम इस टर्म की बात करेंगे 4x³ की, इसमें हमारा कोफिशिएंट बोलने तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 4 है, 4 कांस्टेंट वैल्यू है तो 4 ही हमारा कोफिशिएंट है। उसी तरह अगर हम बात करें 2x² की, तो 2x² में हमारा कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 हमारा कोफिशिएंट वैल्यू है 2x² टर्म का। अब 3x में, 3x में हमारा कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 3। वेरिएबल से लगा हुआ जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा वो हमारा कोफिशिएंट होगा उस टर्म का। ओके, तो 3 हमारा एक कोफिशिएंट है। अब 1 क्या है, 1 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है, ठीक है, तो 1 हमारा कांस्टेंट है, केवल कांस्टेंट है, ठीक है, ये इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है, इसीलिए इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। कोफिशिएंट हम तभी देख पाएंगे जब हमारा वो वैल्यू कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बना हो। तो जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा होगा वो हमारा कोफिशिएंट होगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं इस चीज को एकदम अच्छे से क्लियर करने के लिए। ठीक है, 3x प्लस 5y माइनस 9, इसमें हमारा टर्म्स क्या है, 3x, 3x एक टर्म है, 5y एक टर्म है और 9 एक टर्म है। ठीक है, अब इसमें हमारा कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, हर टर्म जो भी जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हैं केवल हम उसी को देखेंगे। तो इसमें कौन कौन से टर्म्स के साथ वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ है, 3x एंड 5y, तो कोफिशिएंट हमारा उसी में ही होगा। तो 3x का कोफिशिएंट है 3, क्योंकि 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है। उसी तरह हमारा 5y का कोफिशिएंट वैल्यू क्या होगा, 5। तो जिन जिनका आंसर 5 था, क्लैप फॉर योरसेल्फ, बहुत ही सही जवाब। अब 9 क्या है, यहाँ पे टर्म है, ठीक है, बट
कोफिशियंट नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई भी ए टू जेड में कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब ये बताइए कि इस टर्म में, इस 3x टर्म में फैक्टर्स क्या क्या हैं, 3 एंड x फैक्टर्स हैं इस टर्म में। तो जिन्होंने 3 और x जवाब दिया है, अगेन क्लैप फॉर योरसेल्फ, वेल डन। अब 5y में हमारा फैक्टर्स क्या है, 5 और y, ठीक है। अब आती है हमारी अगली टॉपिक, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। अभी मैंने आपको बताया कि एक एक्सप्रेशन कई सारे टर्म्स से मिलके बना होता है, ठीक है। अब उसी तरह अगर किसी भी एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म है तो वो है मोनोमियल। किसी एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं तो वो है बाइनोमियल। किसी एक्सप्रेशन में थ्री टर्म्स हैं तो वो है ट्राइनोमियल। इसी को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है, एक या एक से अधिक टर्म्स से मिलके बना हुआ एक्सप्रेशन कहलाता है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं। अब मोनोमियल्स के एग्जांपल हो सक देख देख लीजिए, 4x2, 3xy, -7z, 5xy2, 10y, -9 और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल जिसमें केवल एक टर्म आता है, कोई भी और टर्म्स नहीं आते, ठीक है। अब हम अगला टर्म देखते हैं, सॉरी अगला चीज देखते हैं, बायनोमियल। तो बायनोमियल के एग्जांपल्स a+b, क्यों, इसमें दो टर्म्स आ रहे हैं a और b, ठीक है। तो साइन प्लस से जुड़ा हुआ है a और b, तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ जिसमें टर्म्स क्या क्या हुए, a और b। अगला एग्जांपल देखते हैं, 4l+5m, 4l+5m एक बाइनोमियल हुआ, क्यों, कि इसमें दो टर्म्स हैं 4l और 5m। और ऐसे कई सारे एग्जांपल जिसमें दो टर्म्स आते हैं उसको हम बाइनोमियल कहेंगे। इसी तरह ट्राइनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं, जैसे कि a+b+c, इसमें टर्म्स क्या क्या हैं, a b c, तो क्या बना, ट्राइनोमियल, थ्री टर्म्स। उसी तरह 2x+3y-5, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल, क्यों, क्योंकि इसमें थ्री टर्म्स हैं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स क्या हुए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, सबको जब हम एक साथ बोलते हैं तो वो कहलाते हैं पॉलिनोमियल। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली टॉपिक, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अभी मैंने आपको पढ़ाया टर्म्स और कोफिशियंट्स के बारे में, तो आइए जानते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स हम कैसे लिखेंगे। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिसमें केवल कोफिशियंट अलग होगा। कोफिशियंट से मेरा मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल से मिल के बना हुआ टर्म में जो कॉन्स्टेंट होता है वो हमारा कोफिशियंट होता है। केवल कोफिशियंट अलग हो, बाकी वेरिएबल सेम हो, उस टर्म्स को हम लाइक टर्म कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं,
एक्स वाई एंड माइनस फोर एक्स वाई, इस दोनों टर्म्स में हमारा कोफिशियंट क्या है? टू एंड माइनस फोर, ठीक है। वेरिएबल्स एक्स वाई, एक्स वाई, ओके। तो जिस टर्म्स में केवल कोफिशियंट अलग हो और वेरिएबल्स सेम हो, उनको हम लाइक टर्म्स बोलेंगे। इसके अलावा जो भी है वो अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए बी स्क्वायर एंड थ्री एक्स वाई, ये अनलाइक टर्म्स हैं। क्यों? बी स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है? वन। थ्री एक्स वाई का कोफिशियंट क्या है? थ्री। पर बी स्क्वायर का वेरिएबल क्या है? बी स्क्वायर। और इस टर्म थ्री एक्स वाई का वेरिएबल क्या है? एक्स एंड वाई। तो थ्री और वन तो अलग अलग हैं, लेकिन मैंने एक चीज और बोली है लाइक टर्म्स में कि उसका वेरिएबल वो भी सेम होना चाहिए, तभी वो लाइक माना जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि अलग हैं इसीलिए वो अनलाइक टर्म्स हैं। आइए हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो लाइक टर्म्स जैसे कि 7x एंड माइनस 3x, इसमें 7 एंड माइनस 3 दोनों अलग हैं, दोनों कोफिशियंट्स अलग हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके वेरिएबल्स सेम हैं। तो ये क्या हुए? लाइक टर्म्स के एग्जाम्पल हुए। तो सिंपल सा याद रखिए कि अगर कोफिशियंट अलग है और उसके साथ वेरिएबल सेम है तो वो आपके लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखें 7x एंड माइनस 3y, तो इसमें 7 एंड माइनस 3 कोफिशियंट्स जो हैं वो अलग हैं। परफेक्ट, बिंगो। लेकिन x एंड y अलग अलग वेरिएबल हैं, लेकिन लाइक टर्म्स क्या कहता है कि वेरिएबल सेम होने चाहिए, तो इसीलिए ये अनलाइक टर्म्स हैं। इसी तरह और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। 5y माइनस वाई, इसमें 5 एक कोफिशियंट है, माइनस 1 एक कोफिशियंट है, और वेरिएबल y एंड y दोनों सेम है, इसीलिए ये लाइक टर्म्स हैं। आइए अनलाइक टर्म्स में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। माइनस 5x स्क्वायर वाई एंड 7x वाई स्क्वायर, इसमें माइनस 5 कोफिशियंट है और 7 कोफिशियंट है, दोनों अलग अलग हैं, अगेन बिंगो। लेकिन क्या एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स वाई स्क्वायर सेम है? नहीं, क्योंकि यहां पे है एक्स स्क्वायर पर यहां पे क्या है? ओनली एक्स। यहां पे है ओनली वाई और यहां पे है वाई स्क्वायर के, तो इसीलिए ये हुए अनलाइक टर्म्स। सो लाइक टर्म्स शुड हैव सेम वेरिएबल्स बट डिफरेंट कोफिशियंट, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं फिर हम अगली टॉपिक पे चलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं लाइक टर्म्स में, 2/3 ए स्क्वायर बी एंड 6b a स्क्वायर, ये दो टर्म्स हैं। इन दो टर्म्स में हमारा 2/3 एक कोफिशियंट है, इस टर्म में 6 एक कोफिशियंट है। अब इसमें ए स्क्वायर बी एंड बी ए स्क्वायर दोनों क्या सेम है? आइए देखते हैं। ए स्क्वायर यहां पे भी है, ए स्क्वायर बी यहां पे भी है बी, तो ये हमारे लाइक हुए, ठीक है। लाइक मार दीजिएगा, लाइक हो गए, ओके। तो ये हुए हमारे लाइक टर्म्स।
अब एग्जाम्पल देते हैं अनलाइक टर्म्स का. 2a, इसमें हमारा कोफिशियंट क्या है? 2, और वेरिएबल क्या है? a. सिमिलरली 3 हमारा कोफिशियंट है एंड a एंड b हमारे वेरिएबल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 तो अलग अलग है, सही है, लेकिन a इस साइड टर्म में a है और इस साइड ए बी दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो ये भी अनलाइक हुआ. तो समरी के लिए इतना याद रखिएगा, लाइक में केवल कोफिशियंट्स अलग होने चाहिए, ठीक है, और वेरिएबल्स सेम होने चाहिए. अनलाइक में कोफिशियंट्स भी अलग होंगे, वेरिएबल्स भी अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा, तो वो अनलाइक टर्म्स होंगे. हमारा अगला टॉपिक है एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि ये प्रॉब्लम्स आपके लिए प्रॉब्लम ना रहेगी. तो आइए देखते हैं, स्टेप्स से स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला स्टेप है, जो भी एक्सप्रेशंस आपको दी हुई हैं उस एक्सप्रेशन को एक के नीचे एक लिख लें. दूसरा स्टेप ये है कि जो भी आपकी लाइक टर्म्स हैं उस एक्सप्रेशन में उसको एक के नीचे एक रख दें. इससे आपको एडिशन करने में इजीली हो जाएगा. फिर तीसरा स्टेप ये कहता है कि आप उसको ऐड कर दें. ओके, आइए देखते हैं ट्रिक. तो ट्रिक क्या कहती है कि अगर हमारा एक्सप्रेशन में प्लस और प्लस है तो हमारा फाइनल रिजल्ट में क्या आएगा? प्लस. अगर माइनस और माइनस है तो हमारा फाइनल रिजल्ट में क्या आएगा? माइनस. अगर प्लस और माइनस है तो हमें बस इतना देखना है कि कौन सा वैल्यू बड़ा है. जिसका वैल्यू बड़ा उसका साइन फाइनल सॉल्यूशन में हम लिख देंगे. ठीक है, तो इसी चीज को हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं. और हाँ, इस ट्रिक को मैं कहता हूं साइन ट्रिक. ठीक है, चलिए. तो एग्जाम्पल मैंने लिया है, दो एक्सप्रेशन है मेरे पास, 7x² माइनस 4x+5 एंड 9x माइनस 10. अब इस एक्सप्रेशन को हमें ऐड करना है. तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि हमें क्या करना है. पहला स्टेप हमें कहता है कि एक्सप्रेशन को एक के नीचे एक करके लिख लें. तो पहली एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसी के नीचे हम दूसरी एक्सप्रेशन लिखते हैं. और ये याद रखना है कि हमारी लाइक टर्म्स, जो सेकंड स्टेप है, उसको क्या देखते हैं कि हमारी लाइक टर्म्स एक के नीचे एक आनी चाहिए. मतलब 4x और 9x लाइक टर्म है तो 4x के नीचे 9x आना चाहिए. उसी तरह 5 और 10 लाइक टर्म है तो 5 के नीचे 10 आना चाहिए. 7x² पर इस साइड 7x² का कुछ भी कंपोनेंट नहीं है, कोई भी टर्म नहीं है, तो उस टर्म को हम एज इट इज लिख देंगे. ठीक है, आइए देखते हैं. तो ये आ गया 4x के नीचे 9x, 5 के नीचे 10. अब हमें डिसाइड करना है कि इसका साइन क्या होगा, और साइन देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे? साइन ट्रिक. तो चलिए साइन ट्रिक के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा साइन क्या होगा. अब यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है. सिमिलरली यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है. तो हमारा साइन ट्रिक क्या कहता है कि जिसकी वैल्यू बड़ी वो साइन रिजल्ट में आएगा. ठीक है, तो यहां पे है +5, यहां पे है -10. अब 5 और 10 कौन सी वैल्यू बड़ी? करेक्ट, 10. तो जिसकी वैल्यू बड़ी उसका साइन हम नीचे लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस. चलिए अब यहां पे है 4, यहां पे है 9, कौन सी वैल्यू बड़ी? करेक्ट, 9. तो 9 की वैल्यू बड़ी तो उसका साइन क्या है? प्लस. तो प्लस हम लिख देंगे. तो हमने यहां पे लिख दिया प्लस, यहां पे लिख दिया माइनस. अब बस हमें यहां पे वैल्यूज भरनी है, जो वैल्यूज
ऐड करने के बाद आएंगी, ठीक है। तो अब हमारी वैल्यूज जो ऐड करने के बाद आएंगी, तो हमें देखना है जो साइन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे +5 -10, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो 5, अब यहाँ पे है 9, यहाँ पे है -4, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, जो साइन ट्रिक रही वो साइन डिसाइड करने के लिए रही कि फाइनल सॉल्यूशन में, फाइनल आंसर में साइन क्या होगा, ठीक है। लेकिन मैथ्स जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो जैसे हम शुरू से करते आए हैं, प्रीवियस क्लासेस में आपने किया होगा, उसी तरह यहाँ पे करेंगे, सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड ऑन द साइन। तो +9 - 4, अगेन 5, 9 - 4 कितना होता है, 5, ठीक है। अब क्या इसकी कोई वैल्यू इसके नीचे है, नहीं है। जब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, तो ये आ गया 7, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसको, तो 7 + 5 - 5, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें वेरिएबल कौन सा लगाना है उसके साथ, ठीक है। जो भी, क्योंकि आपने लाइक टर्म्स, सेकेंड स्टेप में क्या कहा था कि लाइक टर्म्स को हमें एक के नीचे एक रखना है, तो क्योंकि आपने लाइक टर्म्स एक के नीचे एक रखे हैं, तो आपको वेरिएबल्स के लिए नहीं सोचना है, बस फाइनल रिजल्ट में वही वेरिएबल आपको उस सम के साथ लगा देना है। तो आइए देखते हैं, तो हमने क्या किया, x² 7 के साथ था, 7 के साथ लगा दिया, इसका सम आया रहा +5, तो उसके साथ क्या है वेरिएबल, x, तो x लगा दिया, एंड -5, तो हमारा फाइनल एडिशन जो आया वो हो गया 7x² + 5x - 5, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसको सिंपल तरीके से याद रखने के लिए हमें क्या देखना है, एक और ट्रिक, तो आइए उस ट्रिक को देखते हैं। तो ये ट्रिक क्या कहती है कि अगर सेम साइन है, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा रहा कि सेम साइन अगर था, तो हमने उसको क्या किया था, ऐड कर दिया था और साइन सेम रखा था। लेकिन अगर डिफरेंट साइन है, तो हमने क्या किया था, उसको सब्ट्रैक्ट किया और साइन कौन सा रखा, बिगर नंबर वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 4 और 9, 9 बड़ा था, तो इसलिए हमने साइन प्लस वाला रखा। यहाँ पे हमारा 5 और 10, कौन सा साइन बड़ा था, माइनस, तो माइनस रख दिया था, और क्योंकि हमारा डिफरेंस साइन था, तो इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक, डिफरेंट साइन आएगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है और साइन वो रख देना है जो बिगर नंबर का होगा, और अगर सेम साइन है ऊपर और नीचे में, तो बस आपको ऐड करना है और सेम साइन रख देना है, ठीक है। तो आइए हम एक और एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि एडिशन कैसे होगा, और इस बार हम 3 एक्सप्रेशंस पे ये एडिशन देखेंगे। तो हमारी एक्सप्रेशंस हैं 8x² - 5xy + 3y², 2xy - 6y² + 3x² एंड y² + xy - 6x². अब इन तीनों एक्सप्रेशंस में कितने कितने टर्म्स हैं, तीन टर्म्स, तो ये कौन सी एक्सप्रेशंस हुई, मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। करेक्ट, ट्राइनोमियल, क्यों, क्योंकि हर एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, ठीक है। अब
हमारे स्टेप्स के अकॉर्डिंग, एडिशन स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि लाइक टर्म्स को हमें एक के नीचे एक लिखना है और एक्सप्रेशंस को भी एक के नीचे एक लिखना है। ठीक है, तो पहले एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। हमारी एक्सप्रेशंस में लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 8x², यहाँ पे 3x² और यहाँ पे -6x². ये याद रखिएगा कि हमें साइन के साथ चीजें लेनी है, साइन कभी भी अलग नहीं रहता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, -5xy +2xy +xy। तीसरा देखते हैं, +3y² -6y² एंड +y². तो हमारे पास लाइक टर्म्स मिल गए हैं हमें। तो चलिए इसको एक्सप्रेशंस को, तो स्टेप वन और स्टेप टू को फॉलो करते हुए हम एक्सप्रेशंस को एक के नीचे एक और लाइक टर्म्स के साथ एक के नीचे एक लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया 8x² -5xy +3y². अब 8x² के नीचे ही 3x² आ गया और उसके नीचे ही -6x² आ गया। उसी तरह -5xy के नीचे +2xy आ गया और +2xy के नीचे +xy आ गया और इसी तरह +3y² के नीचे -6y² आ गया और इसी के नीचे +y². अब हमारा स्टेप क्या कहता है, साइन ट्रिक। अब हमें ये करने के बाद साइन ट्रिक देखनी है कि कौन से साइन आएंगे, तो आइए देखते हैं। तो अब मैंने साइन ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या बताया था कि हमें देखना है अगर साइन डिफरेंट है तो जो बड़ा साइन है वो साइन लेना है। ठीक है, फाइनल ट्रिक हमने यही दी थी। तो देखिए यहां पे तीन डिफरेंट साइंस हैं, प्लस माइनस प्लस, लेकिन बड़ा साइन किसका है? अगर डिफरेंट साइन है तो बड़ा साइन देखेंगे, अगर डिफरेंट साइन नहीं है सेम साइन है तो एज इट इज यूज कर लेंगे। तो बड़ा वैल्यू कौन सा है, 3, 6 और 1 में कौन सा बड़ा वैल्यू है, 6 का, तो साइन भी कौन सा आएगा, माइनस। चलिए अगला देखते हैं, 5, 2 और 1, इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है, 5 की, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस। तो और यहां पे 8, 3 और -6, तो कौन सी बड़ी वैल्यू है, 8, 8 बड़ी वैल्यू है तो साइन किसका आएगा, प्लस। तो ठीक है, साइन ट्रिक के अकॉर्डिंग हम साइन डिफाइन कर देते हैं यहां पे। तो हमने माइनस और यहां पे ये प्लस है। अब प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है अगर स्टार्टिंग में है तो। अब ये हमने लिख लिया तो साइन ट्रिक हो गई। अब साइन ट्रिक के बाद हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज देखनी है और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं हम लोग वैसे ही करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहां पे है +3, यहां पे है -6 और यहां पे है +1। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो +3 -6 +1 कितना हो जाएगा, +3 +1 +4 -6 -2। ठीक है, तो हमें केवल 2 लिखना है, साइन से मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि साइन हमने ऑलरेडी ले लिया है साइन ट्रिक के अकॉर्डिंग। अब आगे देखते हैं, 5, 2, 1, तो -5 +2 +1, तो इसका सम हमारा क्या हो जाता है, +2 +1 = +3 +3 -5 = -2। तो फिर हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 2, लेकिन ये साइन हमने ऑलरेडी ले लिया तो हमें केवल 2 लिखना है। अब आगे देखते हैं, +8 +3 -6, तो +8 +3 कितना होगा, 11, 11 -6 5, तो ये 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज हमें मिल गई 5 -2 -2। अब हमें क्या बढ़ना है, बस वेरिएबल्स भर देने हैं, क्योंकि
क्योंकि लाइक टर्म्स हैं तो वेरिएबल्स भी सेम एज इट इज नीचे में आ जाएंगे फाइनल सॉल्यूशन में। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5x² माइनस 2xy माइनस 2y². परफेक्ट, सबको समझ में आ गया। और याद रखिएगा सेशन के एंड में जो भी एक्सरसाइजेस आपको दी जाएंगी आप उसको सॉल्व करके जरूर देखिएगा। सो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी हमने एडिशन देखा जिसमें तीन स्टेप्स थे, अब इसमें एक छोटा सा स्टेप्स चेंज है, बाकी सारे स्टेप्स सेम है। तो आइए स्टेप्स देखते हैं। पहला स्टेप, राइट एक्सप्रेशन वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक एक्सप्रेशन लिखिए। दूसरा स्टेप, लाइक टर्म्स को एक के नीचे एक रखिए, अभी तक तो सब सेम चल रहा है। तीसरा स्टेप जो कि चेंज है, क्या करना है कि जो दूसरे में जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसके टर्म्स के साइन को चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, और उसके बाद आप ऐड कर दीजिए। कुछ चेंज नहीं करना, केवल थर्ड स्टेप आपको साइन रिवर्स कर देना है, साइन चेंज कर देना है हर उस टर्म का जो कि सेकेंड एक्सप्रेशन में होगा। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सब्ट्रैक्ट 7x² माइनस 4x+5 फ्रॉम 9x-10। अब इसमें लाइक टर्म्स की बात की जाए तो 7x², इधर x² किस लिए कुछ नहीं है तो वो एज इट इज आ जाएगा, माइनस 4x इधर क्या है प्लस 9x, तो एक लाइक टर्म हो गया, इधर प्लस 5 इधर माइनस 10, दो कॉन्स्टेंट्स हो गए, तो ये एक लाइक टर्म हो गया। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप और दूसरा स्टेप मिला के क्या कहता है कि एक्सप्रेशंस को एक के नीचे एक रखिए और लाइक टर्म्स को एक के नीचे एक रखिए। तो आइए उसको रख के देखते हैं। ये हमने पहली एक्सप्रेशन लिख दी और उसके नीचे दूसरी एक्सप्रेशन 9x-10 आ जाएगी। तीसरा स्टेप क्या कहता है, चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ सेकेंड एक्सप्रेशन, मतलब हर साइन को चेंज कर दीजिए सेकेंड एक्सप्रेशन के। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे सेकेंड एक्सप्रेशन में प्लस 9x एंड माइनस 10 है, तो माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, उसको नीचे ब्रैकेट में करके एक छोटा सा लिख लीजिए अपनी याद के लिए, ताकि वो आपको दिक्कत ना करे जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। हमने ये यहाँ लिख लिया, हमने क्या किया, प्लस 9x रहा तो प्लस 9 जो रहा उसका साइन चेंज करके माइनस कर दिया, और इस साइन को चेंज करके हमने प्लस कर दिया, माइनस 10 को प्लस 10 बना दिया। ठीक है, तो अब जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो ऊपर प्लस 5 और नीचे प्लस 10 के साथ होगी। सिमिलरली जो हमारी यहाँ पे है माइनस 4x और नीचे माइनस 9x के साथ होगी। ठीक है, तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। फोर्थ स्टेप, एड द लाइक टर्म्स, तो जो हम एडिशन कर रहे थे नॉर्मल एडिशन हमारा चलेगा। अब साइन ट्रिक हमारी क्या कहती है, साइन ट्रिक तो फॉलो करनी है भाई, तो साइन ट्रिक फॉलो करते हैं। तो साइन ट्रिक हमारी क्या कहती है कि अगर प्लस और प्लस है तो प्लस रख देंगे, माइनस और माइनस है तो माइनस रख देंगे, प्लस और माइनस अगर है तो जो वैल्यू बड़ी है वो साइन रखेंगे। तो आइए देखते हैं, यहां पे हमारा प्लस 5 और साइन चेंज करने के बाद ये बन गया प्लस 10, सेम है प्लस और प्लस, तो नीचे भी क्या आ जाएगा प्लस। ऊपर में यहां पे है माइनस 4x, यहां पे है माइनस 9x साइन चेंज करने के बाद, तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा साइन माइनस, और ये एज इट इज प्लस नीचे आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में अगर प्लस होता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं। तो हमने ये माइनस और प्लस लिख दिया। चलिए अब हम नॉर्मल एडिशन करते हैं, साइन ट्रिक लग चुकी है हमारी, तो साइन हमारा आ चुका है।
अब हम नॉर्मली एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा है +5, यहाँ पे है हमारा +10। तो +5 और +10, एडिशन का रूल क्या कहता था? अगर सेम साइन हो जस्ट एड इट, केवल उसको ऐड कर दीजिए। अगर डिफरेंट साइन हो तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ऐड करना है क्योंकि हमारा यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ भी प्लस है, मतलब सेम साइन है तो हमें ऐड करना है। तो वो हो जाएगा 15, 5 + 10 15। अब हमारा अगला टर्म क्या कहता है? -4 -9, अगेन सेम साइन, सेम साइन है तो हमारी ट्रिक क्या कहती है? सेम साइन है तो डायरेक्टली हमें इसको ऐड करना है बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है? नहीं, सोचना पड़ेगा आपको एडिशन के समय, ठीक है? तो 9 + 4 13, और इस 7 को हम एज इट इज उतार देंगे। तो हमारी वैल्यूज क्या आ गई? 7 -4 -9 -13। हमें साइन से परवाह करनी नहीं है, साइन की चिंता नहीं करनी है, साइन साइन ट्रिक से हैंडल हो गया है, हमें बस वैल्यू लिख देनी है। 5 + 10 15। ओके, अब हमें वेरिएबल्स असाइन करने हैं, तो जो वेरिएबल उसके हैं वो वेरिएबल एज इट इज रख देते हैं। तो वेरिएबल्स रख दिया तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? 7x² -13x +15। इजी, ओके। तो आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। एग्जाम्पल है हमारा सब्ट्रैक्ट 5x² -4y² +6y -3 फ्रॉम 7x² -4xy +8y² +5x -3y। तो स्टेप 1 और 2 के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि हम दोनों एक्सप्रेशंस को एक के नीचे एक और लाइक टर्म्स के साथ एक के नीचे एक लिख लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं? इस एक्सप्रेशन में 5x², इस एक्सप्रेशन में 7x², इस एक्सप्रेशन में -4y² और इस एक्सप्रेशन में 8y², इस एक्सप्रेशन में 6y, तो इस एक्सप्रेशन में -3y, इस एक्सप्रेशन में -3, पर यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो ये हमने लिख लिया, जैसे जैसे लाइक टर्म्स आ रहे हैं वैसे ही एज इट इज उसके नीचे हमने लिख लिया है। 7x² के नीचे 5x², -4xy के नीचे कुछ नहीं है, +8y² के नीचे -4y², +5x अगेन इसमें कुछ नहीं है, -3y के नीचे +6y, और -3 के नीचे -3 यहां पे लिख दिया हमने। अब हमें इसको थर्ड स्टेप जो हमारा है साइन चेंज, तो हमें साइन चेंज करनी है। आइए साइन चेंज करते हैं, और किसका साइन चेंज करना है? सेकंड एक्सप्रेशन का, ठीक है? तो ये हमने साइन चेंज कर दिया, तो साइन चेंज हो गया है, तो ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस और ये प्लस, ठीक है? अब ये हमने साइन चेंज कर दिया है, इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, और इसका भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो अब साइन चेंज हो गया है, अब हमें साइन डिसाइड करना है जो फाइनल रिजल्ट में आएगा, तो हम यूज करेंगे साइन ट्रिक। आइए साइन ट्रिक के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि हमारा साइन क्या आएगा। तो इसका साइन तो इसके ऊपर कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हमें प्लस ही आ जाएगा। अब साइन ट्रिक क्या कहती है? अगर सेम साइन है तो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस लिख देंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा एज इट इज, प्लस 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 माइनस एज इट इज आ जाएगा, और फिर +7 है और यहाँ पे माइनस है 5 का, तो प्लस माइनस, लेकिन वैल्यू किसकी बढ़ी है? 7 की, तो प्लस आ जाएगा। तो ये
साइन हमारे आ गए माइनस प्लस, और क्योंकि प्लस स्टार्टिंग में होता है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। आइए अब हमें इसका सम देखना है। तो जब हम सम देखते हैं तो ये 3 तो एज इट इज उतर जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूं साइन की परवाह करने की जरूरत हमें नहीं है, हम बस इसको कैलकुलेट करके वैल्यू लिखेंगे, साइन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो जब हमने साइन लगा दिया तो अब बस हमें कैलकुलेशन करना है। तो फाइनल ट्रिक हमारी क्या कहती है, सेम साइन तो ऐड, डिफरेंट साइन सबट्रैक्ट। तो क्योंकि हमारी यहाँ पे सेम साइन है तो 3 और 6 ऐड होके 9 हो गए, ये एज इट इज उतर जाएगा। फिर सेम साइन है तो फिर ऐड हो जाएगा 8 एंड 4 12, ये एज इट इज उतर जाएगा। और फिर ये डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होता है तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 7 माइनस 5 2, ठीक है। तो अब ये हमने जब सब्ट्रैक्शन और जब हमने ये कैलकुलेशन कर लिया है उसके बाद हमें बस वेरिएबल्स प्लेस करने हैं और फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट, एक्स स्क्वायर प्लेस कर दिया, एक्स वाई यहाँ 4xy, वाई स्क्वायर तो 12y2, 5x 5x, 3y 6y तो 9y एंड प्लस 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 2x² - 4xy + 12y² + 5x - 9y + 3। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेरी हो जस्ट कमेंट आउट इन द सेक्शन बिलो एंड आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर आंसर्स। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं एनसीईआरटी की जो कि उन्हीं टॉपिक्स को कवर करती हैं जो इस लेक्चर में कवर हुए थे। तो आशा है कि आप ये टॉपिक्स ये एक्सरसाइजेस करेंगे, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप वर्किंग ऑन दिस एक्सरसाइजेस।